दोस्तों शुरुआत में तो लग रहा था कि लाल सिंह चड्ढा एक मास्टरपीस फिल्म होने वाली है और उसके जैसी फिल्म शायद ही बॉलीवुड में कभी बनी होगी, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये फिल्म फॉरेस्ट गम की हूबहू कॉपी है, जिसे जानने के बाद आमिर खान के फैंस बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस फिल्म को लेकर प्रभास ने ऐसी बात कह दी है जिसकी उम्मीद खुद आमिर खान ने भी नहीं की होगी। चलिए आपको हम बताते हैं आखिरकार क्या कहा उन्होंने। दोस्तों पहले तो हम आपको ये बता दें कि अगर आपने लाल सिंह चड्ढा और फॉरेस्ट गंप दोनों के ट्रेलर देखे हों तो आपको दोनों ही फिल्मों में काफी सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। ऐसा लगता है कि लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गंप की पूरी तरह से कॉपी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस फिल्म में एक अंग्रेज की जगह एक सरदार मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि मूवी तो फॉरेस्ट गंप की पूरी कॉपी है, लेकिन इस फिल्म में आपको आमिर खान की बेहद जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस फिल्म में साउथ के एक्टर नागा चैतन्य नजर आएंगे, जो कि नागार्जुन के बेटे हैं। हालांकि आमिर के एक्टिंग के दीवाने पूरे देश भर में हैं, लेकिन लाल सिंह चड्ढा को एक अंग्रेजी फिल्म के कॉपी होने से फैंस काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रभास भी आमिर खान के बहुत बड़े फैन हैं और वो अक्सर आमिर खान की मूवीज को काफी सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक इंटरव्यू में बयान देते हुए कहा कि वैसे तो मैं आमिर खान की सभी फिल्मों को सपोर्ट करता हूं, लेकिन इस बार उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। आगे उन्होंने कहा कि आमिर खान ज्यादातर रीमेक मूवीज में ही काम करते हैं। थ्री इडियट्स को छोड़कर उनकी सभी मूवीज हमेशा से ही हॉलीवुड की रीमेक रही हैं। यहां तक कि उनकी फेमस मूवी गजनी भी एक हॉलीवुड फिल्म की रीमेक ही थी। वहीं आमिर खान के फैंस का कहना है कि जिस मूवी की कॉपी करके आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा को बनाया है, उस फिल्म को तो लोग पहले ही देख चुके हैं, जिस वजह से दोबारा से उसका रीमेक देखने का किसी का भी विचार नहीं है, क्योंकि आमिर खान इस फिल्म में हूबहू टॉम हॉन्क के किरदार को निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे दुनिया भर में काफी पसंद किया गया है। वहीं प्रभास ने यह भी कहा कि मैंने फॉरेस्ट गंप कई बार देखी है, इस वजह से लाल सिंह चड्ढा को मैं एक नई मूवी की नजर से नहीं देख पाऊंगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइए कि क्या आप इस मूवी को देखने वाले या फिर नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।